वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सलोनी कालरा और आज हम लोग हैं कैलिफोर्निया में। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी हाइक कर रहे हैं विच इज़ अबाउट 1000 फीट ऑफ एलिवेशन एंड 5.8 माइल्स एंड इट्स अ प्रीटी डे, सो कम अलोंग विद अस। ओके, सो वी आर नाउ ट्राइंग टू टेक अ ड्रोन शॉट और उसके लिए वी हैव जस्ट बॉट दिस DJI का माइक विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी। So yeah, now we are going to clap and do a sync point. Okay. Okay, Aman's gonna clap, okay? What are we clapping? What? Good. Thank you. not too many claps. only one. Only one clap. I told you I was made for this. Only one clap. ठीक है. Yeah, Aman. Okay. Lights, camera, action. Okay. Awesome. Thank you. क्या हो रहा है? तो हम लोग इस वीडियो के अंदर से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करेंगे, सो क्लैप कम्स एज अ स्पाइक, तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ऑडियो ये है और फिर उसके अंदर ड्रोन के अंदर भी हम क्लैप करते हुए दिखेंगे, तो वी विल सिंक द ऑडियो टू वीडियो। वो ड्रोन जा रहा है। ओके ओके बाय बाय। एंड यू नो व्हाट वाज गोना मेक इट मोर ऑकवर्ड, अभी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। पहले एटलीस्ट वो साइलेंट था, अभी यू डोंट ओनली हैव टू लुक लाइक यू हैविंग फन, यू हैव टू साउंड लाइक यू हैविंग फन, व्हिच इज मोर डिफिकल्ट। Waving, can we like just have it like a fake candid, you know, maybe that's less awkward. Yeah, we can have it. Yeah, I vote for that. Is that a vote? Yeah. Chote-chote subgroups banate baat karte. We already have some. Ha, wahi to sochu. Aru cheeze tod raha rahega, hum baat kar rahe rahenge. Like just camouflage ho. Yeah. Yeah. Red half. Yeah, dude. But the log below it doesn't work. Okay, sync point. 1, 2, 3. Hi, welcome back. So a little bit about मैं आज क्या पहना हुआ है। तो ये जो ऑरेंज कलर का बैग है, दिस आई गॉट फ्रॉम Amazon. दैट्स ओके, आई गॉट दिस फ्रॉम Amazon. और ये बैग काफ़ी अच्छा है हाइकिंग के लिए बिकॉज इट हैज़ दिस वेस्ट बैंड। तो वेस्ट बैंड से क्या होता है ना, आपका जो बैग अगर भारी हो जाए तो भी थोड़ा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कि सारा का सारा मेरे यहाँ सर्वाइकल पे नहीं आएगा। मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी हाइक्स में सर्वाइकल की, तो नाउ इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वेल अक्रॉस योर चेस्ट एंड वेस्ट एंड दैट्स ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो गॉट दिस न्यू पानी पीने के लिए हाइड्रा पैक, ये भी मैंने अमेजोन से लिया। तो अगर मुझे पानी पीना है तो आई डोंट हैव टू लाइक टेक आउट बॉटल। हाइक्स में यूजुअली आपको 2-3 लीटर पानी रखना पड़ता है, तो आपको बार बार बॉटल स्विच करनी पड़ेगी और वो नहीं करना पड़ेगा। नाउ आई कैन जस्ट लाइक ड्रिंक इस पाइप से। आई हैव अ वाटर प्रूफ पैक जिसके अंदर मैंने 3 लीटर पानी डाला है और अब मैं इससे पी सकती हूँ। सो दीज आर लाइक रियली कूल थिंग्स दैट यू शुड गेट फॉर योर हाइक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं शागी के आज सॉक्स पहने हैं, सो वो मुझे काफ़ी पसंद है। एंड इफ़ यू सी ऑन माई फेस देन आई हैव दिस लिटिल लाइम क्राइम का स्टार, वो भी काफ़ी पसंद आ रहा है। आई एम लाइक रियली हैप्पी विद माई आउटफिट एंड आई एम वेयरिंग स्कर्ट्स, सो दिस इज़ लाइक अ स्कर्ट बट इट हैज़ शॉर्ट्स एज वेल। सो या आई एम रियली हैप्पी विद माई फिट टूडे, आई एम फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल एंड यूटिलिटी वाइज इट्स ग्रेट एंड इट्स अ गुड डे टू हाइक। तो ये हम लोगों ने ड्रोन टेस्ट करा और ये माइक टेस्ट करा ड्रोन के साथ में, और ये माइक मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। DJI का माइक वन है, ये $159 का आया विद द रिसीवर एंड द माइक। तो आईफोन्स के लिए स्पेशली ये काफ़ी सही है, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए
बहुत सही है आपके ये फ़ोन में, मतलब मैंने इसे रिसीवर को अटैच करा हुआ है, वो आईफोन की जो केबल है, अब तो सी टाइप केबल आती है आईफोन की, पर जो पहले दूसरी आती थी पतली वाली, वो वाली इसके अंदर है, तो उसी से मैंने छोटा सा डिवाइस अटैच करा हुआ है। और अब थोड़ा सा इसको, हाँ थैंक यू, और वो उसको मैंने ऐसे अटैच करा हुआ है, और यहाँ पे माइक अटैच करा हुआ है, ये मैग्नेट के साथ आता है, तो अब जो मेरा माइक है इट इज़ एक्चुअली वर्किंग एज अ हेडफोन्स। तो अब मेरा जो भी वॉइस है, चाहे मैं यहाँ से बात करूँ आपसे, चाहे मैं पीछे चली जाऊँ यहाँ से बात करूँ आपसे, मतलब आप मेरे को आराम से सुन पाओगे। तो ये माइक मेरे लिए बहुत बहुत सही है, बहुत व्लॉगर्स के लिए बहुत सही है। और इसका जो ये मैग्नेट है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने अंदर से मैग्नेट स्टिक करा हुआ है, छोटा सा मैग्नेट का पीस आता है, वो मैंने अंदर से स्टिक करा हुआ है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं भागी भागी भी ट्रेल पे इसको पहन के, और बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती थी, मेरे को हमेशा फ़ोन के पास रहना पड़ता था, पर अब मैं दूर से भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो बहुत सही है। और अभी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, पर मोस्टली आपको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इसके ऊपर ये जो फर फर लगा हुआ है ना, ये विंड कैंसिल कर देता है। तो ये $10 का अलग से, मतलब इसके साथ मिला है, गंदा हो जाए तो अलग से भी $10 का ले सकते हो। तो ये अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। जस्ट लुक एट दिस व्यू, एकदम से हाइक पे चलते चलते ये व्यू आ गया, एंड नाउ वी आर वॉकिंग नेक्स्ट टू दिस व्यू। हाउ सीनिक इज दिस, कैलिफोर्निया की यही अच्छी बात है, इट्स ऑलवेज सनी, लेकिन सैन फ्रांसिस्को इज ऑलवेज क्लाउडी। पर जैसे ही हम थोड़ा सा सैन फ्रांसिस्को से बाहर निकले, एकदम से धूप थी। और अभी अगर आप सियाटल में देखोगे मुझे, जब मैं सियाटल में रहती हूँ वॉशिंगटन में, इतनी ठंड है इस टाइम पे, मतलब आपको टोपी भी पहननी पड़ेगी आपको अच्छे से, और बारिश भी होती रहती है हमेशा। पर यहाँ पे इसको सन स्टेट इसीलिए बोलते हैं कैलिफोर्निया को, क्योंकि हमेशा सन ही रहता है, आप हमेशा शॉर्ट्स में आ सकते हो। लेकिन ऑल्दो शॉर्ट्स पहनने हाइक पे अच्छी बात नहीं है, मतलब जो मैं स्कर्ट पहन रही हूँ इसके नीचे अटैच शॉर्ट्स है, लेकिन फिर भी वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा पेड़ कब आपको टच हो जाए, या किसी पेड़ में काटा हो, काटा नहीं भी तो वो पेड़ एलर्जी कर जाए, आपको पता ही नहीं हो आप उस पेड़ से एलर्जिक थे भी कभी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है ना जंगल में, तो इसीलिए मोस्टली पैंट्स ही पहन लेनी चाहिए। मैं अगली बार से मोस्टली मैं पैंट्स ही प्रेफर करूँगी पहनना। लुक एट दिस व्यू, कितना सही है, दिस इज मेसीज पॉइंट। Say hi. Hello. Hello. Now we're heading back to the trailhead. और अब यहाँ से सिर्फ descent ही है, तो नीचे नीचे जाना, it's gonna be like a walk in the park. अभी तक सारा difficult part हो गया है, and this was mainly the viewpoint. So I'll see you at the trailhead. अपेरेंटली यहाँ से सारा का सारा सिर्फ डाउन हिल वॉक है, तो बहुत ईजी रहेगा अब चलना, जितना भी जैसे आगे पूरा ये डाउन हिल ही है, अभी जितना भी मेन जो चढ़ने चढ़ने का था वो हो चुका है। और ट्रेल हेड के बाद में हम लोग कुछ अच्छा सा खाएंगे, लंच करेंगे कहीं पे,
और फिर उसके बाद में हमारे प्लान है डोलोरेस पार्क जाने का, वहाँ पे सनसेट देखने का. सो इट्स गोना बी फन एंड आई विल सी यू एट माय नेक्स्ट लोकेशन. वापस आ गए हैं ट्रेल हेड पे, ये रहा ट्रेल हेड और इसके पास ही हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी है. तो ये ऑलमोस्ट 6 माइल की हाइक थी विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर्स आई गेस और अ लिटल मोर. तो और ये हमने खाली पेट करी है, तो आज मैं सिर्फ पानी लेकर आई थी. यूजुअली मुझे याद रहता है, पर अभी दोस्तों के साथ आ गए तो सिर्फ पानी पे आ गए थे, तो अभी बहुत भूख लग रही है. प्रॉबेबली हम लोग इंडियन खाएंगे, साउथ इंडियन शायद. तो मैं खाने के लिए बहुत खुश हूँ और वापस यहाँ पहुँचने के लिए बहुत खुश हूँ. एंड आई विल सी यू एट द नेक्स्ट स्पॉट. यहाँ पे एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे अमेरिका में, मतलब इंडिया में मैं दिल्ली में रहती थी तो मैं ज़्यादा नेशनल पार्क्स वगैरह जा नहीं पाई, पर अमेरिका और मैंने कनाडा में भी देखी है कि ट्रेल हेड्स पे इन लोगों ने बहुत अच्छी सर्विस दी हुई है रेस्ट रूम्स की. तो जैसे मेरे पीछे रेस्ट रूम है, तो आप ट्रेल पर जाने से पहले एक बार ही फ्रेश हो जाओ, वापस आके फ्रेश हो जाओ, वो बहुत अच्छा है. ये बफे खा रहे हैं यहाँ पे, इंडियन बफे, इट्स संक्रांति करके. तो जो भी मेरी क्रेविंग्स थी कि कुछ मिल जाए खाने को, बहुत खुशी हो गई. दिस वाज जस्ट अबाउट टुडे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का. और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. मेरे 98 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. We are just two more. We just need two more to go to 100, and that will be our first milestone. So please subscribe to my channel, and I'll see you guys on my next travel.